सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ एंड टफ राइडर एंड ए टू जेड बाइक वर्ल्ड। आज जो है ना TVS अपाची RR 310 है ना, उसमें मैं एग्जॉस्ट लगाने वाला हूँ। और पहली बात तो मैं बता दूँ, इसमें दो क्वालिटी का बैंड पाइप आता है हमारे पास, दोनों क्वालिटी का अवेलेबल है, जैसे इंपोर्टेड और इंडियन दोनों एग्जॉस्ट बैंड पाइप मेरे पास मिल जाएगा। और एग्जॉस्ट भी हमारे पास सारे मॉडल है, जैसे SC हो गया, एक्रापोविक हो गया, लिविंसी हो गया आपका, और ऑस्टिंग रेसिंग है, और जो एक्रापोविक में 3-4 मॉडल होता है, सारे मॉडल हमारे पास पड़े हुए हैं। ऑस्टिंग रेसिंग में भी 3-4 मॉडल होता है, सब है हमारे पास। और रेसिंग हो रहा है उसमें भी है, सारे मॉडल जो होते हैं ना, सारे मॉडल मिल जाएंगे हमारे पास। और पहले मैं दिखा दूँ कि बैंड पाइप अपना इंडियन में और इंपोर्टेड में क्या फ़र्क है। सो भाई, ये अपना इंडियन है बैंड पाइप, ये देख सकते हो 310 का, जिसमें बस ये ऐसे ही आता है, और वेल्डिंग से हमारा पता चल जाता है और कुछ फिनिशिंग से भी पता चल जाता है। और यहाँ पर जो हमारा कैटलिक कन्वर्टर वगैरह का उसमें नहीं होता जैसे इंडियन वाले में, और इसका फिटमेंट सब पूरा ही होगा। और इंपोर्टेड लोग तो इसमें कैटलिक कन्वर्टर का आ जाएगा, सेंसर का भी होगा, और इसके बाद आपका जो ये वेल्डिंग का जो फिनिशिंग है वो आपको नहीं आएगा, ये इसमें फ़र्क आता है। और इंडियन में थोड़ा सा देख सकते हो आप, और इंपोर्टेड का भी मैं आपको दिखा दूँ, जो हमने बाइक में लगा चुका हूँ मैं उसका फिटिंग दिखा देता हूँ, और इसके क्या क्या है लगा हुआ देखा। सो गाइस, जो अपना ये जो ये आपको जो इंपोर्टेड बैंड पाइप आता है ना, ये आता है, ये देख सकते हो आप, जिसमें फिनिशिंग वगैरह और कैटलिक कन्वर्टर वगैरह हमारा ये है, और इसके फिटमेंट जो होती है ना फिनिशिंग से ही पता चला। इसमें वेल्डिंग वगैरह का आपको निशान नहीं दिख रहा होगा, जो भी होगा एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ भाई फिनिशिंग वगैरह सब कुछ है। और इसमें आपका जो है कैटलिक कन्वर्टर है, सेंसर है, और इसमें ये स्प्रिंग का जो है ना, ये देख सकते हो स्प्रिंग का जो लगाने का है आगे भी ऑप्शन आता है, ये देख सकते हो आप, ये हो गया इंपोर्टेड। और इंडियन में हमारा कोई स्प्रिंग का लगाने वाला कोई ऑप्शन नहीं होता, बस इसमें डायरेक्ट आपका गला जो है ये वेल्ड होता है, इसी से आपका लग जाता है। अब चलते हैं, अब फिटिंग आवाज़ सुनते हैं हम। सो गाइस, ये अपना SC का एग्जॉस्ट है, मैं पहले आपका इसका साउंड सुना दूं, ये थोड़ा लाउड होता है लेकिन ये सिंगल साउंड है, इसमें DB किलर वगैरह नहीं होता, ये आप इसका साउंड सुन लो आप। और पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि कभी भी एग्जॉस्ट का साउंड सुनना हो तो जैसे 5 सेकेंड तक बिना एक्सीलेटर लिए हुए, उसके बाद आप साउंड जैसे एक्सीलेटर या थ्रॉटल लोगे तो उसका आप साउंड सुनने में बहुत फ़र्क आता है। अपना SC का साउंड, अब मैं सुना दूँ जो एक्रापोविक का ही अपना साउंड है, एक्रापोविक का आप साउंड सुन लो, ये DB किलर के साथ है। ये हो गया अपना एक्रापोविक का साउंड, अब मैं आपको 6 कट का भी साउंड सुना दूं। 6 कट जो होता है अपना, ये आ गया एक्रापोविक 6 कट, और क्लैंप वाले इसे बोलते हैं, इसका भी साउंड अच्छा है, ये DB किलर के साथ है आपका। ये था अपना 6 कट का साउंड, अब मैं लिविंसी जो कार्बन वाले हैं, जो गोल आपको जैसे राउंड में आपका DB क्लियर वाले हैं, उसका भी साउंड मैं सुना दूं। राउंड में ये फ़र्क होता है कि आपका जैसे बेस वाले साउंड निकलेंगे। ये था रेसिंग वगैरह का साउंड, लेकिन ये है कि बेस में साउंड बहुत अच्छा ही है इसका, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है, लगेगा कि आपका गाड़ी से ही लग के, कंपनी से ही लग के आया है। सो गाइस, ये है अपना R9, और ये क्लैंप, ये जैसे कैप वाले हो गए, और DB किलर के साथ है, साउंड इसका भी बहुत ही अच्छा है, इसका भी आप साउंड सुन लो आप।
ये था अपना R9 का, और R9 का साउंड आपने सुन ही लिया, और इस गाड़ी में जो लगने वाला है जो हमारे भैया हैं उन्होंने पसंद किया ये एक्रापोविक का, और फिटिंग मैं ये जा रहा हूँ करने, और फिट करके मैं आपको फाइनली आपको आवाज़ इसका सुना दूँगा और फिटमेंट कैसा है वो भी दिखा दूँगा आपको। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें कि आपको नए नए वीडियो देखने को मिलता रहे, कि सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन वगैरह मिले। अब चलते फिटिंग करते हैं, फिर मैं दिखा दूँगा। सो गाइस, जो अपना RR 310 में जो एग्जॉस्ट लग के पूरा कंप्लीट हो चुका है, और जो एग्जॉस्ट लगा है वो भी मैं दिखा दूँ, फिर मैं साउंड भी सुना दूँगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अपना कौन सा एग्जॉस्ट पसंद आया, और आपको और कुछ एसेसरीज वगैरह चाहिए तो हमारे पास सारे अवेलेबल है इसका, जैसे रेडिएटर गार्ड है, लीवर गार्ड है, हैजार्ड मिल जाएगा आपको, एग्जॉस्ट पूरा फुल सिस्टम मिल जाएगा, टेल टैडी मिल जाएगा आपको, और साइड मिरर मिल जाएंगे, विंग्स भी मिल जाएंगे, सारे A to Z जितने भी एसेसरीज आते हैं ना सब हमारे पास अवेलेबल है। अब ये देख सकते हो हमारा एग्जॉस्ट लगने के बाद कुछ ऐसा लुक हो गया, जो कंपनी फिटिंग होता है ना उसी में हमने पूरा फिटमेंट बनाया, जैसे कंपनी के जैसा ही, आपको कुछ भी नहीं लगा कि आपने अलग से कुछ लगाया है। और ये आपका आगे स्प्रिंग वगैरह हमने भी लगा चुका है इसमें, ये देख सकते हो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब साउंड में सुना दो इसको। पहले तो आपने बिना डीबी किलर का आपने आवाज़ सुन लिया था, अब ये डीबी किलर के साथ था, और आपने सारे एग्जॉस्ट वगैरह का आवाज़ सुन लिया। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, आपको नया नया वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आता रहे। और अगर मेरे शॉप पे आना है तो आपका डिस्प्ले के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा लिंक डला हुआ है, आप मेरे शॉप पे आकर फिटिंग भी करा सकते हो, मंगाना हो तो आप मंगा भी सकते हो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू मोटिफिकेशन के साथ। बाय बाय।